हेलो गाइस। तो गाइस आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है गूगल शॉपिंग एड्स। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि गूगल शॉपिंग एड्स होता क्या है और उसमें हम जो है कैंपेंस कैसे रन कर सकते हैं, वो डिस्प्ले कैसे होता है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको सारा बताया जाएगा। ठीक है, इसकी शॉपिंग एड्स होती क्या एक्चुअल में गूगल की साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार इसमें हम आपको जो है लाइव एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, सो आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपना सर्च करते हो गूगल पे, तो गूगल पे आपको जो है बहुत सारी मतलब लिस्टिंग शो होने लग जाती है प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ और प्राइस के साथ, और उसके नीचे जो है आपको वेबसाइट्स के लिंक अलग अलग शो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं HP लैपटॉप। ठीक है, मैंने HP लैपटॉप यहाँ पे जो है सर्च किया, तो ऊपर गाइज आप देख सकते हैं मेरे को जो है कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स डिस्प्ले होने लग गए। लिंक्स आपके नीचे जो ऑर्गेनिक के होंगे वो नीचे डिस्प्ले होंगे, उससे पहले मुझे ये जो इसकी जो एड्स हैं ये डिस्प्ले होने लग गई। तो गाइज जो भी मैं अगर मान लीजिए कोई भी मैं प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाह रहा हूँ, तो मुझे अगर ऊपर ऐसे ही एड्स डिस्प्ले हो जाएं उसके प्राइस के साथ या फिर उनके मतलब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है उसका स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे शो हो, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। दर दर मैं यहाँ पे देखूँ और इसमें जाके सर्च करूँ और इसमें पढ़ने की कोशिश करूँ कि कितना प्राइस है क्या, तो यहाँ पे मेरे को एक ब्रीफ सा आइडिया मिल जाता। तो गूगल ने जो स्पेसिफिकली नया फीचर जो लॉन्च किया था गूगल शॉपिंग एड्स का, क्योंकि ई कॉमर्स भी है काफ़ी बूम हो रहा है हर जगह पे, तो गूगल ये लेके आया था गूगल शॉपिंग एड। तो गाइस इसमें हमें देख सकते हैं आप डायरेक्टली आपको जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऊपर ही दिख जाएंगे रदर देन आपको नीचे सर्च करने के। इससे हमें बेसिक आइडिया भी मिल जाता है कितना प्राइस है इन लैपटॉप्स का, क्या क्या रेंज होगी, तो इससे एक बेसिक आइडिया भी मिल जाता है किसी इंसान को। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसमें देखते हैं क्लिक करके कहाँ पे आपकी जो ऐड है रिडायरेक्ट हो रही है। जैसे रिलायंस डिजिटल की है, तो रिलायंस डिजिटल ने जो अपनी ऐड यहाँ पे चला रखी है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हो गया, ऑफर प्राइस हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपिंग एड्स पे आपको दिखती हैं सारी एड्स, उसके लिए आपको मर्चेंट अकाउंट पहले गूगल पे साइन अप करना होता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हमें बेसिक पहले समझना है कि गूगल शॉपिंग एड्स होते क्या और काम कैसे करती हैं। ठीक है, सो ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको एड डिस्प्ले होंगी, कोई भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ऊपर आपके अलग से एड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एडवर्ड से थोड़ा अलग होता है, शॉपिंग एड्स के अंदर आपका इंक्लूड होता है। सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ऊपर दिखा सकते हो प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा शॉपिंग पर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो अब मैं शॉपिंग पे आया स्पेसिफिकली। अब इसमें जो आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे मोस्टली सारे HP के ही शो होगा, यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं सारा HP दिखाएगा। पहले जैसे मैं ऑल पे सर्च कर रहा था तो मुझे जो है बाकी भी इसमें जैसे एसर का भी दिखा रहा है, दूसरे भी आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैं शॉपिंग पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे सिर्फ HP की यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको इसमें प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो उसके लिए आपको एड कैंपेन भी चलाना ज़रूरी होता है। सिर्फ अगर मान लीजिए आपको सिर्फ लिस्टिंग करना है शॉपिंग के अंदर गूगल मर्चेंट अकाउंट के थ्रू, आप वो भी उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आपको एड चलानी है तो ये पूरा आपका जो है शॉपिंग एड्स के थ्रू पेड कैंपेन के थ्रू होगा। अगर सिर्फ आपको जो है लिस्टिंग करनी है, मान लीजिए कोई अगर सिर्फ शॉपिंग में सर्च कर रहा है, तो वो आपका नॉर्मली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे भी अपने लिस्ट कर सकते हो गूगल मर्चेंट अकाउंट के थ्रू, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पेड करना है या सिर्फ आपको फ्री लिस्टिंग यहाँ पे गूगल शॉपिंग के अंदर फ्री लिस्टिंग डालनी है। ठीक है, तो जैसे आपकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जितने अच्छे आपके मतलब कीवर्ड या जितने भी अच्छा आप यूज़ करेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन, उतना ही अच्छा है कि आपका यहाँ से के भी थ्रू सेल हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर, जैसे अमेजन पर क्लिक करता हूँ एक बार मैं, तो यहाँ पे जो आपको सारे अमेजन के शो होंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जैसे सेलर आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री डिलीवरी चाहिए तो ये भी आपको ऑप्शन शो कर रहा है, न्यू आइटम, यूज आइटम्स और फीचर क्या क्या चाहिए वो भी आपको मतलब काफ़ी डिटेल्ड में जो है गूगल आप लिए फीचर लेके आया शॉपिंग वाला, तो ये यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके उनको सेल भी कर सकते हो गूगल पे। मतलब जो भी ऑर्गेनिकली आएंगे आपके यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ के थ्रू भी आप आपका सेल कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका इंट्रो था कि गूगल शॉपिंग एड्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको भी देख लो, कनेक्ट विद द शॉपर्स एनीवेयर, कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी लिस्टिंग जैसे उन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे रेटिंग्स के साथ वो डिस्प्ले हो जाएगी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के तक रीच जाती है। ठीक है, कोई भी सर्च कर रहा है तो बिल्ड योर ब्रांड एंड ड्राइव सेल्स,
सेल्स आपकी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप एड कैंपेन भी चला रहे हो तो उससे भी अच्छी खासी आपकी सेल हो सकती है। सोल्यूशन फॉर एवरी बिजनेस साइज, मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, तो प्रोडक्ट्स सार हर कोई यहाँ पे जो अपने सेल कर सकता है। ठीक है, सो इनकी जो वेबसाइट है google.com/retail, यहाँ पे भी आप इनके जाके अगर आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना हो तो आप इस वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसमें साइन अप करेंगे गूगल अपने मर्चेंट अकाउंट के लिए, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी जो इसमें लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।